और मेरे वालिद साहब की तरफ से जो बड़े महाराज गोपाल उनकी तरफ से हमारी तरफ से जो माता का आशीर्वाद आपको माता रानी हमेशा छतरछाओं में रखे और कोई तकलीफ कोई दुख करीब ना आए। बोलेंगे आज मात की ये आपकी प्रशा ठीक है। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं हिंगलाज माता मंदिर के इनसाइड की, मतलब जो पूरे जो प्रेमिसेस है, जो एरिया है, मंदिर तो मेन मंदिर तो आगे है, यहाँ है पीछे काली माता का मंदिर और रवि भाई भी हमारे साथ हैं और बाकी जो है रिजवान और ए बी भाई भी हैं हमारे साथ। नारियल चढ़ाना है ना यहाँ पर क्या? थोड़ा ठंड है ना, थोड़ा सा तो गाइस जब बारिश वगैरह होती है तो ये देख रहे हैं आप Last video we came from Karachi, we entered Baluchistan and we came to this beautiful location of Hinglaj Mata, and behind me is a Kali temple and you can see this entire video in the earlier part. Now we're going to continue our darshan to see Ma. गाय जो थी ना वो हमारे शिव शंकर भगवान की सवारी थी। शिव शंकर भगवान जो आपने बताया, सब भगवान में सबसे बड़ा भगवान वो पत्थर में goosebumps to come to a place that you can't even reach. Amazing. So Maha Yajna Havan. So Havan happens here. So beautiful location, absolutely incredible. This is the Shiv temple. गुजराती है, गुजराती है, श्री हिंगला माता।
संस्थान, ये तो गुजराती है। क्या नारी माता क्या दी आपको देख रहे ठीक आता है या पहले भी कभी आया नहीं पहली बार इलाज में ये मंदिर है 32 लाख साल पुराना 32 लाख साल 32 इज हाउ मच 32 मिलियन इयर्स ओल्ड 32 लाख इयर्स 32 लाख साल 32 लाख साल का पुराना है पुराना मंदिर है ये दुनिया की बड़ी बड़ी गार है केव है ओके तो कोई कॉलम नहीं है कोई सपोर्ट नहीं है मगर कॉलम सपोर्ट करता है सो नेचुरल हिल क्लिफ अभी इसको हाथ लगाओगे तो छड़ेगी मट्टी की है ये स्टोन है मगर जैसे वैसी की वैसी ये देख लो ये खड़ी है ये है माता का चमत्कार कुदरती जो ये खड़ा हुआ है आप देख सकते हैं तो ये दो मूर्तियां हैं ये भी उसी वक्त की पुरानी है कदीमी है सो दो मूर्तियां है इसको कहते हैं योगिनी आगे वाली और वो जो है हिंगलाज माता असल नाम उसका है सती भवानी सती भवानी okay. जब हिंगोल जालिम बादशाह को मारा तो okay. नाम पड़ गया हिंगलाज माता ओके okay. इसलिए इसको हिंगलाज माता के नाम से जाना जाता okay. है ये है योगिनी 64 योगिनी आपने सुनी होगी तो बड़े में बड़ी मूर्ति जो है माता के बराबर में ये और दूसरी जो है इसके नीचे काम करने वाली और नीचे ओके कोई भी हम मन्नत मांगते हैं या प्रे करते हैं तो माता ही इसको बोलती है आपको इसका काम करो ओके अगर इससे काम नहीं होता तो माता खुद करती है ओके इसलिए इसको कहा गया योगिनी कमांडर माता के नीचे काम करने वाली वही योग माया के नाम से जानी सो जब सती का दहन हो गया जी ये यहाँ पे एक पीस गिरा था कौन सा पीस है यही बता वो माता का रिधर पीस के नाम से जाना जाता है यानी ये मस्तक यहाँ से 500 किलोमीटर दूर घोड़माड़ा के नाम से जाना जाता है जिसको मुसलमान बिरादरी कहती है अस्तोला आर्मी वाले कहते हैं जजीरा हम कहते हैं रिधर पीस वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर गिरा हुआ है यहाँ पे माता ने जब हिंगोल को मारा था तो उसने आखिरी चार ख्वाहिशें मांगी कि पहली माता इस एरिया को वरदान दे महानोत्तम यात्रा का यानी ये दुनिया में बड़ी हमारी यात्रा कहलाए दूसरा कोई भी मजहब कोई भी धर्म कोई भी पंथ वाला है तो धर्म मजहब ना देखा जाए अगर कोई मन से मुराद मांगता है तो माता उसकी मुराद को पूर्ण करो तीसरा माता आप इधर पत्थर की मूर्ति बन कर रहना हम सनातन धर्म वाले जितने भी यहाँ पे आके आपकी पूजा करेंगे और चौथी माता आखिरी ख्वाहिश है जिंदगी में हमने जितने भी पाप किए हैं विधि अनुसार पूजा करें आपके धाम पर पहुंचे दो मूर्तियों के दर्शन करके सारे पाप हमारे नाश हो जाए तो माता ने कहा ऐसा ही होगा सो वो बॉडी पार्ट इधर नहीं है इधर नहीं है 500 किलोमीटर दूर से जी हाँ यू सेड ब्रेन या हेड हाँ हेड ओके इसको कहते हैं हृदय पीस मस्तक 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 का माना है हृदय ओके ये रिदर पीस अगर ये रिदर पीस ना हो तो इंसान का शरीर किसी काम का नहीं है सो हिंगोल कौन है हिंगोल जालिम बादशाह था बादशाह वो था वेपरचित का बेटा जिसको मारा था इंद्र देवा ने उसके बाद उसके दूसरे बेटे को तख्त मिला जिसका नाम था सिंदूर सिंदूर को मारा था गणेश भगवान ने उसके बाद जब तीसरे की बारी आई तो उसको मारा था माता ने दुर्गा माता असल नाम है सती भवानी सती भवानी तो जो हिंगोली कौम थी उसने प्रे किया माता से कि माता अपने दाम से हमारी बच्चियों की जुदे बचाए जालिम समेत छुड़ाए फिर माता ने एक दिन इनकी अर्जी सुनी उसने देखा कि मैं आठ हाथ के रूप में गई तो यहाँ तो जुलम होगा बे लोग भी मारेंगे मारे जाएंगे बे गुना भी मारेंगे
अब क्यों ना कोई तरकीब निकाली है। फिर माता ने आठ हाथ से दो हाथ के अनुरूप तब्दील किया, खूबसूरत अप्सरा बनकर सीधा आगे उतरी। यहाँ ये रास्ते में आप देख क्या है, कनेर के फूल हैं। ये अभी आपको नहीं मिलेंगे, जिस दिन नवरात्रि होगी या बड़े त्योहार होंगे उन दोनों में फूल खुद ब खुद आ जाते हैं। तो वो फूल तोड़ने लगी। सुबह का पैर था बादशाह घूमता फिरता हुआ, टहलने के लिए निकला, टहलता टहलता अचानक जब यूं नजर पड़ी उसमें जो खूबसूरत लड़की तो देखी नहीं, इसके पीछे पागल हो गया। यानी इसका पीछा करने लगा। वो हूर आगे आगे चलती गई, बादशाह इसके पीछे पीछे आता गया। आप कहते हैं रास्ते में काली का मंदिर, आप देख के भी आए होंगे। ऐसा स्टेज जो है वो है 32,93,118 साल पुराना। वहां पर खड़ा होकर इसने अपना रूप चेंज किया काली माता का, यानी मौत की देवी का। बादशाह घूमता फिरता हुआ आगे आया, उसने यूं देखा शक्ल काली, जबान बाहर अजीब गरीब आवाज इसके जिसम में, देखा कपाट छा गई। तो उसने फौरन आंखें बंद कर दी, थोड़ी देर आंखें बंद रखी, धीरे धीरे कुछ जिसम में सहमत आई, आंखें खोला तो वही देखा कि हूर खड़ी हुई है। सोचने लगा मेरे मन का वह में या मेरे मन का धोखा है, मगर कहते मौत जब आती तो अकल छिन जाती है। इसको इशारा दिया, इसने फिर भी नहीं समझा, फिर इसका पीछा किया। फिर चलती चलती यहाँ पे आके ये लेटी हुई है, ये हाथ है, ये पाँव है, वो पेट है, वो सीना, वो मस्तक है। जिस तरह औरत सोती है इस तरह सोके इसने अपने आप को बनाया पत्थर की मूर्ति। अपनी दृष्टि से यानी अपनी शक्ति से बादशाह घूमता फिरता आ गया है, देखा इधर ये तो पत्थर की मूर्ति है। सोचने लगा आगे कहीं गहरे गुफाएं होंगी तो छुप गई, इसको ढूंढने के लिए आगे गया, मगर ये उसको हूर ना मिली। जब वो इधर आके पहुंचा तो मूर्ति तो वहीं की वहीं रह गई, उसमें असल आठ तोला शेरावाली का जमीन पर राइज होने लगा, जोर मदी प्रकट होने लगा। बादशाह ने यूं गर्दन करके देखा, लाल आंखें, गजदार आवाज, पायलों की चनकार, बिजली की कड़काहट, हाथ में तलवार, इधर ही कत्ल कर दिया इस जगह में। जब उसने ये देखा तो उसने ये सोचा कि मेरी मौत तो यकीनन है, तो कहने लगा देवी माता मुझे बख्श करो। तो माता ने कहा तू कैसा राजा है, राजा यानी बाप समान, प्रजा यानी औलाद समान, तेरा काम था इनकी इज्जतें बचाना, तेरा काम था इनको रोजी रोटी देना, तू कैसा बाप है जो अपनी बेटियों की इज्जतों के साथ खुद खिलवाड़ शुरू किया। ये तो किसी भी धर्म मजहब वाले को नहीं बख्शा जाएगा, तुझे सजाएं मौत दी गई है देवी देवताओं की तरफ से। वो कहने लगा कि देवी माता मेरी चार आठवीं ख्वाहिशें वो पूरी करो। माता ने कहा तुम वो चालाक घुमा फिरा के मांगोगे जिंदगी वो तो नहीं मिलेगी, बाकी जो मांगते हो मांगो। उसने कहा कि माँ मेरी पहली ख्वाहिश है इस एरिया पूरे को वरदान दे महान उत्तम यात्रा का। दूसरी देवी माता या कोई भी पंथ, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म वाला आता है तो उसका धर्म मजहब न देखा जाए, अगर कोई सच्चे मन से आके मुराद मांगता हो तो उसकी मुराद को पूर्ण किया जाए। तीसरा माता जिंदगी में गऊ हत्या, मित्र हत्या, गुरु हत्या के जो भी पाप किए विधि अनुसार मकली मंदिर से पूजा शुरू करें, यहाँ पे जब पहुंचे आपकी मूर्तियों के दर्शन करें तो सारे पापों से मैं मुक्ति प्रदान हूँ। तीसरा माता छोटी सी ख्वाहिश है आप मूर्ति में वापसी समा जाना, हम सनातन धर्म वाले जितने भी यहाँ पे आके आपकी पूजा करेंगे। माता ने कहा ऐसा ही होगा। हवा में तलवार ले रही, बादशाह की गर्दन कटी तो बादशाह इधर तरफ तरफ मर गया। फिर माता ने तीसरा रूप इख्तियार किया ज्योति स्वरूप का, वो उस मूर्ति की आंखों में समा गई। और रात को ऋषि मुनि पुजारी संत स्वामी जो भी थे उनको सपने में कहा कि मैंने हिंगोल जालिम बादशाह को मारा है, हिंगोल पर्वत यानी ये पूरी मिट्टी की गार, उसके नीचे दो मूर्तियों के रूप में विराजमान हूं। और हमारे ऋषि मुनि संत स्वामी आए, उन लोगों ने आराधनाएं की, फिर माता ने उनको साक्षात दर्शन दिया। फिर उन्होंने कहा कि देवी माता आपने हिंगोली और कौम की लाज बचाई है, इसलिए आज से आपका नाम हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध रहेगा। हिंगलाज माता, तो इसलिए इसको कहा जाता है हिंगलाज माता। ओके, बहुत धन्यवाद सर। सो ये योगिनी और हिंगलाज माता, ये योगिनी हिंगलाज माता, जब माता हिंगोल से लड़ रही थी ना तो ये जमीन से राइज होने लगी, तो माता ने इशारा दिया तुम रुक जाओ, तुम्हारा काम नहीं जब मैं लड़ रही हूँ, तो वो वहीं रुक गई। जब उसने कहा कि आप पत्थर की मूर्तियां बन करो, हम सनातन धर्म वाले आपकी पूजा करेंगे, तब से दोनों ये पत्थर की मूर्ति बनी। तो आप अंदाजा लगाओ सब एक है, यहाँ पे कोई वो अलग नहीं, सिर्फ प्रेम प्यार होना चाहिए, एक विश्वास, एक भावना, सबको और एक चाय वाले भाई। व्हाट वुड यू लाइक टू से महाराज जी से, जो लाइक आई एम टेलिंग राइट, यू शुड बी वेरी फॉर्चुनेट टू कम हियर। मैं इंडिया में पैदा हुआ था, लेकिन मैं अभी अमेरिका में रह रहा हूँ। सो स्टिल हिंदू मजहब का है, सो इधर आना इतना मुमकिन नहीं है। so, इसके होते हुए मुमकिन हो गया, हो गए, हो गए। माता ने चाहा तो आप आ गए, अभी भी आए हो, दोबारा भी आओ, आओगे बुल बुलाएगी माता जरूर सर, क्योंकि देखो अगर हमारा मन सच्चा है तो देवी साथ है। आप वहाँ बैठे उसको पुकारोगे तो लाजमी नहीं यहाँ के बोलो, वहाँ भी पुकारोगे तो भी पहुँचेगी, हेल्प करेगी। इसलिए माता का हुक्म था आप बगैर प्रोग्राम के इधर पहुँच गए। मैं यही बता रहा हूँ कितना लोग है हिंदू में, इंडिया में कोई नहीं आ सकता इधर। अच्छा, तो बहुत नसीब है, बिल्कुल ये नसीब है आपके, आप इधर आए हम भी खुश नसीब है कि आपके दर्शन कर रहे हो। हरा हुड़ी तो नहीं है?
मेला भी होता है, तो इस तरह लोगों को दर्शन कराया जाता है लाइन बाय लाइन। तो यहाँ हम लोग हमारे डरने वाली बात क्या है भाई, मैं अगर खौफ रखूंगा तो मेरे मन में खौफ रहेगा, जब मैं खौफ को बाहर निकाल दूंगा तो मेरे सर से डिप्रेशन हट जाएगा और फिर मैं अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो सकता हूँ। तो यहाँ ऐसी कोई लड़ाई झगड़े वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, यहाँ प्रेम है, प्यार है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर कोई सोचता है तो मेरी नज़र में तो वो बेवकूफ़ है जो ये बातें सोचता है। हम तो कहते हैं भाई इंसानियत है, प्रेम है, प्यार है, कोई भी हो तो हमारे पास जो भी आता है हम उसको प्यार का और प्रेम का पैगाम देते हैं कि आप खुश रहें, आपका परिवार खुश हो, हंसते हुए आए हो हंसते हुए जाओ, यहाँ कोई डर नहीं है। हमारी पाक आर्मी भी जो है हमारे साथ तावन करती है, हर जगह सिक्योरिटी देती है, हर जगह अमनो अमान के लिए खड़ी होती है, हमारे साथ रहती है। तो इतनी बड़ी फैसिलिटी जब हमें मिल रही है तो डर काहेगा, डर तो करना ही नहीं चाहिए। एक 194 फर्स्ट टाइम आए माता के धाम पर, तो ये हमारी कमेटी की तरफ से और मेरे वालिद साहब की तरफ से जो बड़े महाराज गोपाल उनकी तरफ से, तो हमारी तरफ से ये माता का आशीर्वाद। आपको माता रानी हमेशा छतर छाँव में रखे, तो कोई तकलीफ कोई दुख करीब ना आए। बोलो इंगलाज मात की जय। आपकी प्रशा ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। ओके विनोद कुमार, तो ये उन कमेटी लीलाराम की तरफ से ये आपका स्वागत, यहाँ धाम पर आप आए, माता रानी आपको हमेशा हंसता हुआ रखे, ये उनकी तरफ से आपका तरफ से आपका स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल बाबा इबाजी की शक्ति की सफा बताए, अल्लाह सब में प्रेम प्यार अमन पैगाम। कमेटी तरफा ठीक है, असि कमेटी तरफा तुम्हारा स्वागत, माता तुम खुश रखे, खिलंदा रहो, पता ही परिवार से गुड खुश हो जो। मेरा फोटो नहीं खींचा, मेरा फोटो नहीं आई सर। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि रवि भाई के साथ जो है सिक्योरिटी के हिसाब से, वैसे तो कोई ऐसी कोई नीड नहीं है, लेकिन स्टिल जो है आर्मी के जो पर्सनल हैं दो भाई है साथ में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी ये कि रवि भाई से पूछते हैं थोड़ा कि इनको कैसा जो है लगा यहाँ आके, क्या उनकी फीलिंग है, और बाकी ये अजरक देख सकते हैं महाराज ने हमें जो है अजरक की एक सिंध की एक सकाफत है। यकीन नहीं था कि अजरक भी देंगे, और ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई ये भी। क्या फीलिंग है आपकी? गुड गुड बेबी भाई, बहुत प्यार मिला, और मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इतनी अच्छी स्वागत होगी और हमें इतना अच्छा यहाँ पर नज़ारे मिलेंगे और बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी हुई है। मन्नत मांगते हैं? हाँ मन्नत मांगते हैं। इधर बोला है राधे में घूमी हुई है भाई, बुक दे। हाँ बुक दे जी, बताएं कैसा लगा यहाँ के? आई कैंट इवन एक्सप्लेन, यू नो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, गूज़बम्प्स मोमेंट। द मेन फैक्टर इज एवरीबडी कैन गो एनीवेयर, बट टू कम हियर you have to be really fortunate, especially being born in India, and then because of the passport I was able to come. Otherwise it's strictly prohibited, maybe religious tourism is possible. And to be here, and Maharaj has given so much time, explained in detail, and felicitation with the Maka Chunri and all that is really beyond imagination. Just to come here and see the place itself is a big deal, and we got all this respect and felicitation and personal service and Maa ki charno mein, so both khush naseeb. होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा। वैसे तो मैं ऑलरेडी आया था, आज से 3 साल पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया, उसके बाद भी 2 साल पहले भी एक बनाया था, लेकिन ये व्लॉग स्पेशल इसलिए क्योंकि रवि भाई के साथ हम आए, और हमारी जो है एक पूरी कोशिश थी कि यार किसी तरह उनको विज़िट करवाएं, और प्रॉपर हमने, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम है, क्योंकि फॉरेन नेशनल अगर कोई आता है तो उसकी एंट्री होती है और पूरा एक सिस्टम होता है, वो पूरा सारा प्रोसीजर फॉलो करके ही हम इनको लाए, ताकि कोई भी ऐसा इशू ना हो। अच्छा, यहाँ अभी आज लोग आपको इसलिए नज़र नहीं आए क्योंकि हम आए वीक डेज़ में ना, तो आज जो है मेरे ख्याल में जो है ट्यूसडे है,
तो इस वजह से, और वैसे जो नवरात्रि है और जो नॉर्मल जो है मतलब जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा जो पब्लिक होती है, लेकिन आम दिनों में जो है इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन सेवादारी यहाँ के जो है और लोग होते हैं। हाँ तो रवि भाई, तो नाउ हैप्पी? हाँ वेरी हैप्पी मैन, ऑलवेज हैप्पी, नाउ एक्स्ट्रा हैप्पी, एक्स्ट्रा हैप्पी। सो अब चलें वापस कराची। सी मैन, टू बी ऑनेस्ट राइट, वेरी हम्बलिंग, बट टू बी एबल टू डू व्हाट आई डू इज इम्पॉसिबल। या टू ट्रैवल लाइक दिस 2023 में 58 कंट्रीज जा चुका हूँ। अच्छा। एंड देन पाकिस्तान इंडिया में पैदा होके किसी को एंट्री भी नहीं मिलता है, इसको कुछ नसीब में दूसरा पासपोर्ट मिला और प्रोटोकॉल भी मिला, प्रोटोकॉल भी मिला। इतना आई मीन इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन, बट इट्स नॉट सो ईजी, यू नो। एंड नॉट ओनली दैट, वन कंट्री पेंडिंग विथ फाइनली बिफोर आई फिनिश एवरी कंट्री, सो मेनी प्लेसेस आई वेंट टू इन इंडिया। सो सभी लोग ने बोला वेनेजुएला का वीसा नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल था, लेकिन वो सस्पेंस है। अच्छा, सस्पेंस है। सो विद द ब्लेसिंग्स ऑफ ऑलमाइटी, ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ब्लेसिंग ऑफ नेचर, ब्लेसिंग ऑफ डेस्टिनी, नहीं भी मिला हो तो आप लेके रहोगे। लेकिन 190 मैं बोल रहा हूँ, दो तीन महीने में 195 कंप्लीट हो जाएगा। चलो कभी हम भी उम्मीद करते हैं कि हम 195 तो नहीं तो 95 तो कर ही ले कर सकते हो। इफ योर विल इज स्ट्रांग, नहीं विल नहीं, जेब स्ट्रांग होनी चाहिए। विल स्ट्रांग है तो जेब स्ट्रांग हो जाएगा, विल स्ट्रांग है तो जेब। हां ये भी है, ये भी है, ये भी है, सही है। तो भाई फाइनली जो है अब इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। रात हो चुकी है लेकिन हमारी जो है फोटोग्राफी चल रही है, तो ऐसा अलग अलग जो है देख रहे कलर कैसा आ रहा है, कहीं रेड कहीं येलो, इस तरह के शेड आ रहे हैं, पीछे भी आप देख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, और आपके लिए ही कोशिश करेंगे। रवि भाई के साथ तो हमने जो है एक का दो व्लॉग हो सकता है हम बनाएं भी, लेकिन ये कि उसके आगे भी हम कोशिश करेंगे रेगुलर जो है वीडियोस बनाते रहें, रेगुलर व्लॉग्स आते रहें, और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें, ठीक है ना। तो बस ये कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना,